गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट दो वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन किया था। आज उस चैप्टर की हमें एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज है एमसीक्यूज। फर्स्ट, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू विल बी सेम इन द डैश प्लेस। प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में दोनों में कोई कौन सा नंबर ऐसा है, कौन सी जगह ऐसी है जो सेम है? जैसे कि वन ऑप्शन है वंस, बी है 100, सी है 10 या डी 1000, तो उसमें क्या आएगा हमारा वंस। यानी कि वंस में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों में प्लेस कैंसी सेम होती है। वंस में वैसा का वैसा ही नंबर आता है और फेस वैल्यू में भी वंस में वही का वही नंबर आता है। सेकंड है 8 + 50 + 700 = 10। 8 + 50 + 700 ये हमने क्या किया है, इसका हमने लॉन्ग फॉर्म किया है। यानी कि देखो, कोई भी नंबर हो उस नंबर का हम लॉन्ग फॉर्म करें तो हमें इस तरह से 100, 10 एंड 1 मिलता है। तो हमारा लास्ट का नंबर क्या है, 8। 8 वाला यहाँ पे देखो, 8 में क्या, इसका मैं अगर लॉन्ग फॉर्म करूंगी तो क्या होगा, 8 कौन सी जगह पे, 1 की जगह पे, 5 कौन सी जगह पे है, 10 की जगह पे, और 7 कौन सी जगह पे, 100 की जगह पे। तो हम लोग, मैंने सिखाया था आपको, अगर 100 में कितने जीरो लगते हैं, 2, 1 में 10 में कितने जीरो लगते हैं, 1, और 1 में क्या आता है, एज इट वही का वही नंबर आता है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 700 + 50 + 8। उसी तरह से मैंने उल्टा लिख दिया है, 8 + 50 + 700। तो हमारा राइट नंबर कौन सा होगा, 758। थर्ड है 900 + 410 + 3 = 1। मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है 100 में, तो मैंने 9 की जगह क्या आएगा, 900 + 410 है तो क्या आएगा, 40, 10 + 3 1 तो 3, तो क्या आएगा, 943। यानी हमारा राइट नंबर कौन सा है, बी 943। फोर्थ है, डैश इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 478। यानी कि आपको 478 3 डिजिट नंबर से सबसे छोटा नंबर बनाना है। यहाँ पे ऑप्शन में देखो, 478, 487, 784, 874 बड़ा है या छोटा नंबर, बड़ा, 784 बड़ा या छोटा, बड़ा। तो इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 748। यानी कि 478 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बाय द डिजिट 478। फिफ्थ है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 598 इज डैश। यानी कि आपको क्या लिखना है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यानी कि 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सी जगह पे है, 5 कहाँ पे है, 100 के प्लेस वैल्यू में है। तो 5 क्या होगा, 500 आएगा, 900 आएगा, 50 आएगा या 5 आएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, 5 कौन सी प्लेस वैल्यू पे, 100 की प्लेस वैल्यू पे। तो 100 में कितने जीरो लगते हैं, 2, तो हमारे 5 के पीछे कितने जीरो लगेंगे, 2, यानी कि कौन सी प्लेस वैल्यू लगेंगे, 500। 6 है, which is the greatest 3 digit number? Greatest, यानी कि इन चारे ऑप्शन में से
टॉन हमारे डिजिट है जो सबसे बड़ा डिजिट नंबर बनता है। देखो 100, 990, 999 and 111, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कौन सा दिखता है आपको? 999। तो ऑप्शन में क्या आएगा? आंसर में 999। सेवन आपका आपके असाइनमेंट में ही है, सेवन है वैसा का वैसा ही है। 900 plus 70 plus 4 is equal to, अगर मुझको इसका मुझे शॉर्ट फॉर्म करना है तो मैं कैसे करूंगी? 970 plus 4 is equal to dash। तो हमारा शॉर्ट फॉर्म में क्या आएगा? ऑप्शन है 794 497 947 और बी है 974। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आएगा? देखो 900 के स्थान पे है, 7 tens के प्लेस वैल्यू पे है और 4 ones की प्लेस वैल्यू पे। हमारा राइट आंसर कौन सा है? 974 इज द करेक्ट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन से उसके फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द नंबर नेम और 798 इज डैश, यानी कि 798 को हमें वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? तो चलो 798 कैसे बोलते हैं हम लोग? 700। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 700। अब लास्ट में क्या है? 9898। तो हमें क्या करना है? सिर्फ 98 की स्पेलिंग लिख देनी है, NINETY 90 और EIGHT 8। तो हमें वर्ड्स में मैंने लिख दिया 798। सेकंड है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 7892, यानी कि 9 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है? चलो 2 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है? 1s की प्लेस वैल्यू पे है। 9 कौन सी है? 10s की प्लेस वैल्यू पे है। 8 कौन सी प्लेस वैल्यू पे? 100। यहाँ तक मैंने सिखाया था। अब 7 में 7 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है? 100 से आगे कौन क्या आता है हमारा? 1000। तो 7 कौन सी प्लेस वैल्यू पे? 1000। अब हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 7000 में कितने जीरो आते हैं? 1, 2 and 3। कितने जीरो होते हैं 1000 में? 3। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2, यानी 800 प्लस 9 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है? 10s की प्लेस वैल्यू पे। तो 10s में कितने जीरो होते हैं? 1। और 2 कौन सी प्लेस वैल्यू पे? 1s की। 1s में मैंने कहा था जो नंबर है वही का वही नंबर आता है, यानी कि इस तरह से आएगा 7000 plus 800 plus 90 plus 2। अब हमें मांगा क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 9 कौन सी प्लेस वैल्यू है पे? 90 पे, यानी कि 10s की प्लेस वैल्यू पे। तो आंसर क्या आएगा? 9090। थर्ड है 356-358, यानी कि 356 और 358 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो 356 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 357। फोर्थ है 600 plus 710 plus 9 ones। इन सबको हमने एक्सपाइंड लॉन्ग फॉर्म किया है, इसको शॉर्ट में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 600 है तो मैंने लिखा 600 प्लस 710 है तो मैंने लिखा 70 प्लस 9 ones है तो 9। अब हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो 6 आगे का एक एक नंबर हमें लेना है, यानी कि 679 इज इज द करेक्ट आंसर। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 657 इज डैश। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है और ये फिल इन द ब्लैंक दोनों फिल सेम है। यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू बोली थी, यहाँ पे हमें किसकी प्लेस वैल्यू है? 7।
सेवन कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, वंस की। और वंस में क्या होता है, जो नंबर एज इज इट एज इट इट नंबर रहता है, यानी कि जो नंबर है वही का वही नंबर आता है। 652 इज डैश, हमें वर्ड्स में लिखा गया है 652 इज डैश, हमें नंबर में लिखना है। तो पहले क्या बोला है 600, तो हमने लिख दिया 6। 52 यानी 5252 यानी कि 652। 7 है 1 सेंचुरी इज इक्वल टू डैश रन। हम लोग क्रिकेट, सब लोग बच्चे क्रिकेट देखते हैं, तो सेंचुरी में कितने रन्स होते हैं, पूरी सेंचुरी अगर पूरी करो तो 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 रन्स, यहाँ पे क्या आएगा 100 रन्स। 8 है हाफ सेंचुरी इज इक्वल टू डैश रन, हाफ सेंचुरी में कितने रन्स होते हैं, 100 के हाफ करोगे तो कितना आएगा 50 रन्स। सेकंड के थर्ड क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है 679 इज इक्वल टू 600 प्लस 7 टेंस प्लस 9 वंस, यानी कि 679 को हमने लॉन्ग फॉर्म किया है, तो उसमें 6 कौन से प्लेस वैल्यू पे, 100 की प्लेस वैल्यू पे, 7 टेंस की प्लेस वैल्यू पे और 9 वंस, तो क्या आएगा राइट यानी कि ट्रू। इन द नंबर ऑफ 75 द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज डैश, यहाँ पे ये बोला गया तो नंबर दिया है आपको 75, उसमें आपको 5 की प्लेस वैल्यू देखनी है। तो मैंने बोला था लास्ट जो नंबर उसको क्या बोलते हैं, वंस, और बीच वाला ये कौन सा है, टेंस। अब टेंस में 10 आता है, वंस में वही का वही नंबर, तो 5 की हमें प्लेस वैल्यू जाननी है, तो 5 का 5 आएगा, तो यहाँ पे क्या बोला है 50, इज इट अ रॉन्ग आंसर, इज इट ए फॉल्स। थर्ड है 756 इज इक्वल टू 700 प्लस 50 प्लस 6, हमें यहाँ पे 100 वर्ड्स में नहीं लिखा, 100 टेंस और वंस, हमें डायरेक्टली दे दिया है 700 प्लस 50 प्लस 6, इज इट राइट या रॉन्ग, तो क्या आएगा राइट। थैंक यू।